सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू बिफोर परचेजिंग। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में, यानी कि कुछ ऐसी डील्स जो कि अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के दौरान यहां पर आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। और यहां पर एक ऐसी डील भी है जो कि आप बोल सकते हो कि वो साल की सबसे बड़ी डील होने वाली है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने कोई भी एक्स्ट्रा फालतू स्मार्टफोन्स की डील्स को इंक्लूड नहीं किया है। सभी प्राइस रेंजेस हमने इस वीडियो में कवर करी हैं, यानी कि अगर आपका बजट 10,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक का भी है तो भी इस वीडियो के अंदर आपके लिए स्मार्टफोन्स इंक्लूडेड हैं। ये सब कुछ डिस्कस करने से पहले अगर आप बिफोर परचेजिंग पर पहली बार आएँ तो आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इन सभी स्मार्टफोन्स के जो डायरेक्ट लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको ज़रूर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास HDFC का डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलने वाला है। मतलब कि जो ऑफर प्राइस फ़ोन की आने वाली है उसके ऊपर यहाँ पर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। वीडियो के अंदर इंक्लूड किए गए ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन्स के अंदर आप गेमिंग अच्छे से कर पाएंगे और साथ ही साथ अगर इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो वो भी बेस्ट है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं 10,000 से 12,000 रुपये की बजट कैटेगरी के बारे में। अगर आपका बजट यहाँ पर 10,000 से 12,000 रुपये का है तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा Redmi 10 Prime। नॉर्मल डेज में इसकी जो प्राइसिंग होती है वो 12,500 रुपये के अप्रॉक्स होती है, लेकिन सेल के दौरान ये फोन आपको 12,000 रुपये के अप्रॉक्स देखने के लिए मिलने वाला है। और अगर आप यहाँ पर कार्ड ऑफर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाएगा, तो फाइनल प्राइसिंग इस फोन की बन जाएगी अप्रॉक्स 10,800 रुपीज। इस फोन के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है और साथ ही साथ ये 18W की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इस फोन में आपको फुल HD+ IPS डिस्प्ले मिलती है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 50MP का AI क्वाड कैमरा भी दिया गया है। तो ओवरऑल 10,000 से 12,000 रुपये की प्राइस सेगमेंट में ये एक बेस्ट डील हो सकती है, आप उसको जरूर चेकआउट करें। अगली बजट कैटेगरी यहाँ पर आती है 15,000 रुपये की, तो यहाँ पर आप Redmi Note 10S की तरफ जा सकते हैं। नॉर्मल डेज में इसकी प्राइसिंग की बात करी जाए तो वो 15,000 रुपये के अप्रॉक्स होती है, लेकिन सेल के दौरान इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको 14,000 रुपये के अप्रॉक्स देखने के लिए मिलने वाली है। और अगर हम आफ्टर कार्ड डिस्काउंट प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये फ़ोन आपको 12,600 रुपीज़ के अप्रॉक्स मिलने वाला है। इस फोन के अंदर आपको फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है, मीडियाटेक हीलियो G95 प्रोसेसर यहाँ पर आपको मिल जाता है जो कि एक काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। ओवरऑल एक डिसेंट फ़ोन है और अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन परचेज करना चाह रहे हैं और अगर आपका बजट 15,000 रुपये के अप्रॉक्स है तो आप इसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। हम यहाँ पे अपनी नंबर नेक्स्ट बजट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, यानी कि अगर आपका बजट 20,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स है तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करना चाहूँगा IQ की तरफ से Z3। ये फ़ोन फुल HD डिस्प्ले के साथ में आता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। इस फ़ोन के अंदर आपको Snapdragon 768G का प्रोसेसर मिलता है और साथ ही साथ ये 5G को भी सपोर्ट करता है। 4400 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको मिल जाती है और साथ ही साथ ये फ़ोन 55W की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इस फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो वो भी बेस्ट है और Amazon पर इस फ़ोन की जनरल प्राइसिंग यहाँ पर 20,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स होती है, लेकिन सेल के दौरान ये आपको 18,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स देखने के लिए मिलने वाला है। और अगर हम यहाँ पे आफ्टर कार्ड डिस्काउंट प्राइस की बात करें तो ये आपको 16,200 रुपीज़ के अप्रॉक्स आसानी से मिल जाएगा, यानी कि ओवरऑल एक काफ़ी अच्छी डील है और आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट बजट कैटेगरी यहाँ पर आती है 25,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स, तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा IQ Z5। इस फोन के अगर प्रोसेसर की बात करी जाए तो ये Snapdragon 778 प्रोसेसर के साथ में आता है। 5000 mAh की काफ़ी पावरफुल बैटरी यहाँ पर आपको मिल जाती है और ये फ़ोन 44W की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इस फोन के अंदर लिक्विड कूलिंग सिस्टम यूज़ किया गया है, यानी कि अगर आप इसके अंदर लंबे टाइम के लिए भी गेमिंग करते हैं तो भी इसके अंदर आपको कोई भी हीटिंग प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। 64MP का रियर कैमरा यहाँ पर आपको दिया गया है और अगर प्राइसिंग की बात करी जाए तो ये फ़ोन सेल के दौरान आपको 22,500 रुपये के अप्रॉक्स देखने के लिए मिलने वाला है। और अगर हम इसके ऊपर 1500 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट कार्ड ऑफर लगा दें तो इसकी इफेक्टिव प्राइसिंग यहाँ पर आपको 21,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स मिलने वाली है। ओवरऑल एक डिसेंट डील है और अगर आपका बजट 20,000 से 22,000 रुपये के अप्रॉक्स है तो आप इसकी तरफ ज़रूर जा सकते हैं। नेक्स्ट बजट कैटेगरी यहाँ पर आती है 30,000 रुपये के अप्रॉक्स, यानी कि अगर आपका बजट 30,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स है तो मैं यहाँ पर आपको दो डील्स चेकआउट
करने के लिए बोलूँगा। पहली यहाँ पर आती है Mi 11X। इस फ़ोन के अगर नॉर्मल डेज प्राइजिंग की बात करी जाए तो वो 30,000 रुपीज़ के अप्रोक्स होती है, लेकिन सेल के दौरान ये आपको 27,000 रुपीज़ के अप्रोक्स देखने के लिए मिलने वाली है, और आफ्टर 1500 कार्ड डिस्काउंट ये आपको 25,500 रुपीज़ के अप्रोक्स आसानी से मिल जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी डील है। 5G सपोर्ट करता है, 120 हर्ट्ज़ की फुल HD AMOLED डिस्प्ले दी गई है, यहाँ पर आपको 360 हर्ट्ज़ का सैम्पलिंग रेट मिलता है, यानी कि आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। सेकेंड फोन अंडर 30,000 रुपीज़ मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा IQ7। स्नैपड्रैगन 870 के साथ में यहाँ पर आपको 5G सपोर्ट मिलता है, 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग को भी ये फ़ोन सपोर्ट कर पाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 4400 mAh की बैटरी भी दी गई है। इस फोन के अंदर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी हीटिंग इशूज़ देखने को नहीं मिलने वाले हैं। इसकी नॉर्मल डेज प्राइजिंग की बात करी जाए तो वो 32,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स है, लेकिन सेल के दौरान ही आपको 30,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स देखने के लिए मिल सकता है। और अगर आप इसके ऊपर कार्ड डिस्काउंट लगाते हैं तो इसकी फाइनल प्राइसिंग आपको 28,500 रुपीज़ के अप्रॉक्स देखने के लिए मिल सकती है। ओवरऑल एक काफ़ी अच्छी डील है और आपको इसको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। हम अपनी लास्ट और फाइनल बजट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, जो कि यहाँ पर आती है 40,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स। और यहाँ पर 40,000 रुपीज़ तक की प्राइस कैटेगरी में अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की बिगेस्ट स्मार्टफोन डील आने वाली है, यानी कि iPhone 11 यहाँ पर आपको लोएस्ट प्राइस पर मिलने वाला है। नॉर्मली इसकी जो प्राइसिंग होती है वो 47,000 रुपीज़ के अप्रोक्स होती है, लेकिन सेल के दौरान ये फ़ोन आपको 39,000 रुपीज़ के अप्रोक्स मिलने वाला है, और इस डील को हम इस साल की बिगेस्ट स्मार्टफोन डील बोल सकते हैं। और अगर आप इस प्राइस के ऊपर कार्ड डिस्काउंट लगाते हैं तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी दिया जाएगा, और इस डील को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। सभी स्मार्टफोन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की जितनी भी डील्स आई हुई हैं उन सभी के भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उनको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो आप नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।